बिस्मिल्ला रमानीम चैप्टर नंबर नाइन है और हम फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ठीक है चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि हम पहले भी इसके फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ट्रिगनोमेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल अब हम ट्राइंगल के लिहाज से बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस और एक ट्राइंगल को लेकर चलेंगे हम ठीक है और उसके लिहाज से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे अब देखें लेट्स हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है ये मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं ये दोनों लाइंस जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वापस में परपेंडिकुलर है और ये थर्ड लाइन है ठीक है तो थर्ड लाइन को भी मैं थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ अच्छा अब ये एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है ठीक है इसका नाम हम रख देते हैं ए बी और सी ट्राइंगल अच्छा अब यहाँ पर जो है एंगल जो साइड बी सी है और ए बी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ठीक है थीके? तो वो एंगल जो यहाँ पर बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके दरम्यान ठीक है तो ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर हैं उसके अलावा हम जो अपना एंगल लेते हैं एंगल थीटा वो यहाँ पर लेते हैं ए वर्टेक्स के ऊपर ठीक है तो वो उसको हम एंगल थीटा कह देते हैं उसके लिहाज से देखते हैं इस ट्रायंगल को और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ठीक है तो अब हम ऐसा करते हैं कि साइड्स के नाम रख देते हैं ठीक है ए के ऑपोजिट साइड जो है ये साइड है इसको हम ए साइड कह देते हैं बी के उप... वर्टेक्स जो है ए बी के ऑपोजिट जो साइड बनती है बल्कि बी के ऑपोजिट साइड वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड जो बनती है उसको हम स्मॉल बी साइड कह देते हैं और इसी तरह से जो सी वर्टेक्स है कैपिटल सी है, उसका ऑपोजिट साइड जो बन रही है ए बी साइड उसका नाम हम सी स्मॉल सी साइड कह देते हैं ठीक है अच्छा अब देखें तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर एंगल होता है 90 डिग्री एंगल होता है ठीक है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको कहा जाता है ठीक है इसको स्मॉल में ठीक है तो ये साइड जो है वो हाइपोर्टिन्यूस है और जो एंगल जिस एंगल को हम देख रहे हैं थीटा को उसके लिहाज से उसके ऑपोजिट साइड जो बनती है वो परपेंडिकुलर बनती है परपेंडिकुलर और जो रिलेटेड टू दिस एंगल है साइड ठीक है उसके साथ जो साइड आती है ये साइड उसको हम बेस कहते हैं ठीक है तो तीन साइड्स होगी एक परपेंडिकुलर है एक हाइपोटेन्यूज है और एक बेस है ठीक है तीन साइड्स होगी और तीन एंगल हैं इसके ट्रायंगल के तो अब हम इसके जो है आते हैं फंक्शंस के ऊपर के अब देखें यहां पर जो है इसको हम डिफरेंट साइड्स है ना तीनों साइड्स को छह डिफरेंट रेशोज की तरह लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं जो जो कॉम्बिनेशन uh, बनता है रेशोज का ठीक है तो हम लिखते हैं एवर सी ठीक है ए साइड डिवाइडेड बाय सी साइड बी साइड डिवाइडेड बाय सी साइड ए साइड डिवाइडेड बाय बी साइड सी साइड डिवाइडेड बाय ए साइड सी साइड डिवाइडेड बाय बी साइड और बी साइड डिवाइडेड बाय ए साइड ठीक है इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता देख लेते हैं ए ओवर बी भी हो गया ठीक है ए ओवर बी ये हो चुका है और बी ओवर ए भी हो चुका है ये बी ओवर ए हो चुका है अच्छा सी ओवर बी भी हो चुका है ये हो चुका है और बी ओवर सी भी हो चुका होगा बी ओवर सी भी हो गया ठीक है सी ओवर ए सी ओवर ए ये है और ओवर सी ये है ठीक है तो छह जो है कम्बिनेशन uh, बन चुके हैं रेशोज के इन तीनों साइड से ठीक है तो uh, अगर नंबर ऑफ uh, जो कम्बिनेशन देखना चाहें तो हम फैक्टोरियल से भी देख सकते हैं ठीक है uh, कितनी साइड हैं तीन साइड्स हैं उसका तीन का फैक्टोरियल ले लिया जाए तो सिक्स ही आंसर आता है तो मतलब के कॉम्बिनेशन भी छ ही बनते हैं तो हमने ठीक लिखे हैं छः कॉम्बिनेशन लिख चुके हैं अच्छा अब हम इन कम, जो है रेशोज को देखते हैं पर्टिकुलर ओवर बेस ठीक है अच्छा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर ओर बेस और इसके अलावा जो है हम एक हमारी रेशियो रह गई है ओवर बी हो चुका है अब हम बी ओवर ए के ऊपर आते हैं तो बी ओवर ए को हम कहते हैं बी ओवर ए इज इक्वल टू कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा ठीक है इज इक्वल टू हो गया बी क्या है बेस है और ए जो है वो परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये भी एक दूसरे का इन्वर्स है तो हम यहां से कह देते हैं कि टेंज थीटा इज इक्वल टू वन आवर कॉट थीटा या फिर कॉड थीटा इज इक्वल टू वन आवर टेंजेंट थीटा ठीक है तो साइन थीटा जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा वो इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टैज थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ से ये तीनों आपको याद हो जाए ना ये साइन थीटा कॉस थीटा और टैनज थीटा ठीक है बाकी दोनों जो है बाकी तीन जो है वो आपको खुद से याद हो जाएंगे कि कॉसिकेंट थीटा जो है वो साइन का इनवर्स है सीकेंट थीटा है जो वो कॉस का इनवर्स है और कॉट थीटा है वो टैन का इनवर्स है ठीक है तो उसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास बाकी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी ठीक है तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा भी बेसिक हैं और उसके बाद जो है ये उसके इनवर्स हैं आ, और कौट. तो यहां से हमने आ, जो है तीन रेशियोज को छह रेशियोज को छह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया ठीक है देखा कि छह रेशियोज कैसे ट्रिगोमेटिक फंक्शन है अब हम आ, आगे आते हैं कि किसी भी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह से देखे जाए कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमैट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल अच्छा लेट्स सपोज हम आ, कोई एंगल ले लेते ले ले हैं ठीक है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो आर्ट्स लेते हैं और उनके दरम्यान में हम एंगल लेते ले हैं तो ये एक्स वाई एक्सेस और यहां पर हम जो है दो आर्क्स ले लेते हैं ठीक है तो एक आर्क जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस स्टैंडर्ड जो है एंगल वो लेते हैं ठीक है तो एक आर्क जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और दूसरी आर्क जो है वो हम क्या करते हैं कि आ, फर्स्ट क्वार्टर में ले, ले लेते हैं ठीक है लेट्स सपोज ये सेकंड आर्क है ये फर्स्ट आर्क है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि इन दो इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा ले लेते हैं ठीक है एंगल थीटा अच्छा अब जो है आ, इसके जो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ठीक है एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ से जो है परपेंडिकुलर अगर हम लेकर जाएं तो ये परपेंडिकुलर बनता है ठीक है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है ठीक है एक्स के लॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट वाई के लॉन्ग वाई कोऑर्डिनेट अच्छा अब इस को हम जो है नाम दे देते हैं आर का ठीक है अब ये देखें इस साइड को आर का नाम दे दिया ठीक है और इस साइड को वाई का नाम दे दिया जो वाई के लॉन्ग है और ये साइड जो एक्स के along है ठीक एक्सएक्स एक्स का नाम दे दिया ठीक है तो ये एंगल था हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था उसका नाम है थीटा अच्छा अब हम इसका जो है एट्रिकोमैटिक फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से देखेंगे इस एंगल की बात हो रही है ठीक है तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर ठीक है और उसके साथ जो साइड होगी वो क्या होगी बेस और जो 90 नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड जो साइड uh, होगी उस एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी हाई ठीक है तो मतलब हाई इज इक्वल टू आर है पर पेंडिकुलर इज इक्वल टू वाई है बेस इज इक्वल टू एक्स है ठीक है तो यहाँ से हम साइन थीटा देखते हैं क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाई के ठीक है तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है y और हाई पार्टन क्या है r है ठीक है तो y ओवर r जो है वो इक्वल आ चुका है साइन थीटा के यहां से हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r ठीक है तो बाकी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस भी देखते हैं साइन के बाद uh, जो है हम यहां से देख सकते हैं uh, कॉसिकेंट थीटा ठीक है तो कॉसिकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है किसके कॉसिकेंट थीटा इक्वल होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा के ठीक है तो यहां से हम कॉसिकेंट थीटा को इक्वल कह देंगे आर ओवर वाई के ठीक है क्योंकि इसका इनवर्स होता है ना साइन थीटा के तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कॉसिकंड थीटा इज इक्वल टू आर ओवर वाई ठीक है तो और इसके अलावा हम कॉस थीटा देखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाईपार्टन्यूज के ठीक है तो बेस यहाँ पर है एक्स और हाई है आर ठीक है तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा है वो इक्वल है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर ठीक है तो एक्स ओवर आर है यहाँ से कॉस का इन्वर्स क्या होता है कॉस का इन्वर्स होता है सिकेंड थीटा तो हम कहेंगे सिकेंड थीटा इज इक्वल टू आर ओवर एक्स होता है ठीक है उसके अलावा जो है हम थर्ड uh, पे आते हैं कि टें थीटा ठीक है टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ठीक है परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है तो यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो वाई है और बेस जो है वो एक्स है तो यहां से हम कहेंगे कि टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल है वाई ओवर एक्स के वाई ओवर एक्स के ठीक है तो इसका टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर वाई के इक्वल ठीक है तो ये हमारे पास जो है छ की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं ठीक है जो कि हमने इस एंगल से फाइंड किए ठीक है थीके? हमारे पास सिर्फ ये एक एंगल गिवन था जो कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था ठीक है तो ये आर के नाम हमने आर रख दिया और इसके जो है परपेंडिकुलर लेके आए तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास जो है ए, हमने इसके x कोऑर्डिनेट को कह दिया x एक्सिस x uh, का नाम रख दिया ठीक है और जो y के अला उसका जो कॉर्डिनेट बना था उसको y का नाम रखती है ठीक है तो अब हम यहाँ से हमने जो है टिक्नोमैटिक फंक्शन बना लिए ठीक है तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल उससे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं ठीक है हमने एक राइट ट्रायंगल ली थी जिसमें 90 डिग्री एंगल था एक और दूसरा एंगल जो थीटा था उसके लिहाज से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए थे ठीक है उसके लिहाज से हमने साइड से साइड की के परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस कौन सा है और नाइन्टी डिग्री के हिसाब से हमने देखा कि हाई पार्ट कौन सा है उस, ट्रायंगल का ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छः हमने यहाँ से बनाए उसके बाद हमने किसी भी एंगल का कोई एंगल ले लिया हमने ठीक है तो ये सेकंड क्वार में भी हो सकता है थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है ठीक है टर्मिनल साइड लाइक कर रही होगी तो हम उसके साथ एंगल बना के फिर हम जो है वो ट्राइंगल बना लेंगे और उससे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख सकते हैं तो यहाँ पर ये हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होता है नेक्स्ट में हम जो है कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर इन ट्रिकोमेटिक फंक्शंस के साइंस को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और कहाँ पर नेगेटिव होती हैं ये फंक्शंस ठीक है